जैसा मैंने कहा वो फिर हुआ। अभी कल तक मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं उनके यहाँ भी घर में आग लग ही जाती है। दोस्तों स्पेशल रिपोर्ट है, मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिए। फ्रांस बर्बादी की तरफ। फ्रांस वो मुल्क जो इस्लामोफोबिया फैलाने में सबसे आगे रहता है। फ्रांस वो मुल्क जिसने पिछले 6-7 महीने में ही फ्रांस की और पेरिस की, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद टोटल अब तक 25 मस्जिदों को बैन किया है और लगातार बैन कर रहा है, मस्जिदें बैन कर रहा है, बंद कर रहा है, पाबंदियां लगा रहा है। अब आपको बता दूं कि उस फ्रांस में क्या हो रहा है। यही फ्रांस रूस के खिलाफ सबसे ज़्यादा आगे आगे चल रहा था। हुआ अब यह है कि उसी फ्रांस में, मैंने 3 दिन पहले बता दिया था, आधा फ्रांस अंधेरे में है, बत्ती गुल है, क्योंकि फ्रांस के पास ईंधन की कमी है। और फ्रांस ने ही सबसे पहले रोना शुरू कर दिया था और ऐलान, सरकारी ऐलान कर दिया कि फ्रांस में जो सार्वजनिक जगह है, बाथरूम है, घरों के अंदर जैसे हमारे यहाँ पानी आता है वैसे सरकारी नल लगे हुए घरों के अंदर जिसमें गर्म पानी आता है, समझ रहे हैं आप, गैस भी पाइपलाइन से आती है, तो गैस की भी कटौती की जा रही है। और ऐलान फ्रांस ने ये कर दिया कि गर्म पानी हम नहीं देंगे किसी को। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईंधन ही नहीं है। गैस का प्रोडक्शन कम करने की वजह से रशिया ने पूरी तरह से खुद भी पाबंदी लगा दी कि हम देंगे ही नहीं यूरोप को। और फ्रांस बहुत ज़्यादा उछल रहा था कि हमें रशिया पर पाबंदी लगानी, हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। आज हालात ऐसे हो गए हैं, डीजल पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फ्रांस में हो और आपको पेट्रोल और डीजल भरवाना है अपनी गाड़ी में, यानी दोपहर के 12 बजे आप पेट्रोल पंप पे लगेंगे तो शाम को 5 बजे आपका नंबर आएगा। ज़मीनी हालात में आपको ये बता रहा हूँ। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ, अब जो नई बात है वो ये है कि जनता अब अपने बाल नोचने पर मजबूर हो गई है, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आई है। रियूटर्स तक, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ने भी ये बात डाल दी है, खबर डाल दी है। फ्रांस में जनता परेशान है क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। भारत और पाकिस्तान के लोग इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हैं और मेरी बात से सहमत होंगे। अब आपको बता दूं कि इसके बाद हालात ऐसे हुए कि जनता सड़कों पर है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यही फ्रांस ईरान में आग लगवा रहा था। अब हाल फ्रांस का देखिए। Putain, 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 putain
वहीं बांग्लादेश में दोस्तों बड़ी खबर बताऊं, बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के जो कैंप थे उसमें रोहिंग्या के जो दो बड़े लीडरान थे, जो बड़े लीडर थे, उनको एक भीड़ ने कत्ल कर दिया। जी हाँ, दुखद खबर है और बांग्लादेश के भी हालात उथल पुथल हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यार रजा भाई आज दो दो इंटरनेशनल, भाई क्या करें, मैंने आपसे वादा किया है ना रजाग्राफी आप सब्सक्राइब कर करेंगे, रजाग्राफी आपको ज़्यादा ही खबर देगा, कम तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों के यानी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लगा शौक लगा। हाँ, बात ये हकीकत है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले यहूदियों को, जैविश को कहा है कि मैं इसराइल में इतना पॉपुलर हूँ कि मैं वहाँ का खुद प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त मीम चल रहे हैं, लोग गरिया रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भाई हमेशा से अपने वाले की तरह लंबी लंबी छोड़ने में एक्सपर्ट है। लेकिन आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सफाई दी, जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई मैंने इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए बहुत कुछ किया है, ज़रा यहूदी पहले सोच के देख लें और इतने अनग्रेटफुल अमेरिका के यहूदी ना बने। आने वाले समय में मुझको वोट दे, मेरा साथ दे, ये सब मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही ताकि अमेरिका का प्रेसिडेंट मैं ना बन सकूं। वहीं देखिए फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर का नया बयान आया है। फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जानते हैं फिलिस्तीनियों पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको मुद्दा बनाया जाएगा आने वाले चुनाव का। फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उनके घरों को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि एक तरह से ये सब दिखाया जाए और वोट बैंक हासिल किया जाए। आपको कुछ रिपीट नज़र आ रहा है, ऐसा कहीं और भी हो रहा है। जी हाँ, भारत में मुसलमानों के साथ बीजेपी 2024 में जीतने के लिए जो करके दिखा रही है बहुसंख्यक समाज को वोट हासिल करने के लिए, ठीक वैसे ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे फिलिस्तीनियों को इसलिए मारा जा रहा है ताकि इसराइल में जब चुनाव हो तो ये सब दिखाकर वोट हासिल किया जा सके। लेबनान से देखिए, डील तो हो गई है इसराइल की लेकिन हरकत से बाज नहीं आता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका और इसराइल ने ठगा नहीं। अभी एक हफ्ता हुआ है डील हुए, हिजबुल्लाह ने यही डील करवाई है और एग्रीमेंट पर राजी हुए हैं। इन सबके बावजूद अब लेबनान की डिफेंस ने बताया है कि इसराइल की आर्म बोट, ऐसी नाव जिसमें गन लगी हुई थी, कई सारी नावों ने, बोट ने हमारे समुद्री बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हमारे अंदर दाखिल हुई हैं, जिसको झूठे इसराइल ने झुटला दिया। वहीं सऊदी अरब बड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका पाबंदी लगाने की बात कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका को सफाई देने के लिए अब सबसे बड़ा हथियार सबसे आखिर में निकाला है सऊदी अरब ने। बेगैरती देखिए सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने यह ट्वीट किया है, सऊदी अरब के ये डिफेंस मिनिस्टर और लिखते हैं कि ओपीईसी प्लस का जो डिसीजन था वो पूरी दुनिया में इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि किंगडम जो है रशिया के साथ खड़ा है। जरा सोच के देखिए, ओपीईसी का मेंबर तो खुद ईरान भी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि किंगडम यानी अरब ईरान के साथ खड़ा है? यानी ये कहना चाह रहे हैं, साबित करना चाह रहे हैं कि ईरान सही हो या गलत हो, कभी अरब ईरान के साथ नहीं हो सकता। तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि अरब कैसे ईरान के साथ हो सकता है, हो ही नहीं सकता भाई साहब। ये सऊदी अरब साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो देख रहे हैं, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ससुरे आपस में कभी एक नहीं होते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। वहीं ईरान सऊदी अरब को बाहें फैलाकर बात करने को तैयार है और अरब ने पिछले महीने कहा था कि हम ईरान से बातचीत करने को तैयार हैं। यहां अमेरिका लगातार सऊदी अरब पे जूता खींच के मार रहा है लेकिन शर्म नहीं आ रही है। कभी बिन सलमान $400 मिलियन की मदद दी और आज देखिए डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरब के कह रहे हैं कि बताइए ऐसा आप सोच सकते हैं भाई साहब कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, इस वक्त सऊदी अरब कुछ भी बोले सारी दुनिया समझ गई है कि चाटुकारिता कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात कोई झटका देते हुए ओपीईसी के कुवैत, ओमान, बहरैन, इराक, इन चारों ने कह दिया है कि ये हम सब ने मिलकर फैसला लिया था कि पूरी दुनिया के देशों को हम
अब गैस और तेल की सप्लाई कम करेंगे और इसमें सऊदी अरब भी हमारे साथ शामिल था। यह हम सबका मिला जुला फैसला था। सऊदी अरब यहां अपने आप को साबित करा, बाबूजी मैं नहीं था, और साथ ही कह रहे हैं यही था भाई और हम तो राजी हैं इससे। लो इसलिए कहते हैं या उधर हो जाओ या इधर के हो जाओ। अब ना सऊदी अरब उधर का रहा ना इधर का, ईरान चुप रहा है। लेकिन देखिए दूसरे देशों ने साबित कर दिया कि भाई फैसला सही है ये। ब्रेकिंग न्यूज में आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने एक जर्मन व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ईरान के अंदर ही, जिस पर इल्जाम है कि फ्रांस के नागरिक भी पकड़े थे कुछ दिन पहले, याद है आपको? हाँ, अब जर्मन के एक नागरिक को पकड़ा है। इल्जाम यह है कि ईरान में प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा था, हिंसक प्रदर्शन करवाने की कोशिश कर रहा था। वहीं ईरान में एक और बड़ा कांड होने वाला है। आपको बता दूं कि ईरान की नेशनल प्लेयर एलनाज रकाबी, जी हाँ ये, बल्कि मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है एलनाज रकाबी, ये क्लाइंबिंग करती हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, नेशनल ईरान की प्लेयर है, काफी जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन अब ईरान का माहौल आप देख रहे हैं क्या है। अब साउथ कोरिया की राजधानी में गेम हो रहा है, चैंपियनशिप हो रही है। इस दौरान इन्होंने जो गेम खेला है, पहली बार ऐसा हुआ है, जो तस्वीर आपको दिखा दी मैंने हिजाब में खेला करती थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिना हिजाब के उन्होंने पूरा गेम खेला है। कल देर रात तक हमारे पास ये खबर आई और आज हमने आपके सामने ये रख दी। अब ईरान इस पर क्या कार्रवाई करेगा उसका इंतज़ार है। हो सकता है ईरान इनको बैन कर दे, और ये भी कहा जा रहा है कि इनको भी मोटा अमाउंट दिया गया है और ये भी वेस्टर्न देशों से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने ये काम किया है। आप पछताएंगे अगर हमारी ये रिपोर्ट पूरी नहीं देखेंगे, क्योंकि आज इंटरनेशनल रिपोर्ट से बड़ी खबर ये सरप्राइज रिपोर्ट हो गई हमारी। सोचिए, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ईरान ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पर ड्रिल शुरू कर दी है। नहीं पता ऐसा ईरान क्यों कर रहा है, नहीं पता ईरान का मकसद क्या है, लेकिन ईरान ने ड्रिल करके दिखाने की दुश्मनों को कोशिश की है कि तुम भले ही देश में उथल पुथल करवाओ, लेकिन हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं भारतीय सेना ने खुलासा ये कर दिया है, उनके पास इसराइल का सबसे खतरनाक ड्रोन है। आपकी स्क्रीन पर यह है वो ड्रोन, जी हाँ, खतरनाक ड्रोन हेरॉन, जी हाँ, अमेरिका के MQ-9B से भी ये भारी ड्रोन है। इसराइल से ये ड्रोन भारतीय वायुसेना ले चुकी है और इसको अपनी सेना में शामिल कर चुकी है। दोस्तों, भारतीय सेना के अंदर अब ये ड्रोन मौजूद है, जो दुश्मनों के लिए, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए, खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय तो भैया जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप जब नीचे कमेंट कर देते हैं ना, दुआएं देते हैं ना, तो हिम्मत करता है और काम करें और काम करें, बस काम करते रहें। तो बस आपकी दुआ और आपकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।